अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आर्य समाज मंदिर महर्षि पाणिनगर पुंजला जोधपुर व आर्य वीरद जोधपुर के तत्वाधान में सुश्री पूजा दादिज व अदिति आर्य के सानिध्य में योगासन आसन व प्राणायाम कराया गया। का पूरा ध्यान एक जगह स्थिर हो, इस ध्यान को लगाते समय आपको श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ना है। इससे आपके घुटने अगर दर्द होते हैं तो उसमें बहुत रिलीफ मिलता है, आपके काफ मसल्स को रिलैक्स मिलता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसी के अंदर जिसमें विभिन्न आसनों के बारे में जानकारी दी गई, इसी तरह अभ्यास आप करते रहिए। इनहेल करते हुए राइट नोस्ट्रिल से श्वास को भरें। इस अभ्यास को 20 बार करें, लगातार करें। एक शीतकल प्राणायाम, तो आप अपनी जीभ को जितना हो सके बाहर की तरफ लेकर आए, पूरा फोकस उसी पे करना है। आपके जो विचार आपके मन में आ रहे हैं कि अभी आपने थोड़े टाइम पहले क्या किया था या कल क्या खाया था, परसों आपने क्या खाया था, वो सारे विचार को एकाग्र करके आपका पूरा ध्यान बिना किसी सोचे समझे ललाट पे लगाने का प्रयास करें। श्रीमती संतोष आर्य ने एक वचन प्रस्तुत किया। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हो के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना, दयानंद तुम्हारा क्या कहना, ईंटे पत्थर खाए तुमने पर भेद नहीं लाए मन में, ईंटे पत्थर खाए तुमने पर भेद नहीं लाए मन में, करुणा के थे भंडार ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या। आदि वीरदल के संचालक डॉक्टर महेश पेरार ने कहा कि ऋषियों की परंपरा को बनाए रखने के लिए हमेशा योग करना चाहिए। पूरे विश्व स्तर पर योग के माध्यम में बहुत ऊंचा उठाया है, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की वैदिक पद्धति का अनुसरण कर रहा है। श्रीमती ललिता साकला द्वारा सुश्री पूजा को ओम का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। पूर्व प्रधान आर्य गजेंद्र सिंह जी साकला ने कहा कि अभी कोविड-19 की बीमारी चल रही है, जिसमें अभी तक इलाज की कोई दवाई नहीं बन सकी, इसलिए सभी को प्रतिदिन योग व यज्ञ करना चाहिए। और आज पूरा देश या पूरी दुनिया योग कर रही है। आज पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है, अपन सबों को पता है। इंसान इंसान से डर है, मनुष्य मनुष्य एक दूसरे से डरता है, पास में नहीं जा सकता, कितना बड़ा दुख की बात है। बाप बेटे के पास नहीं जा सकता, माँ पुत्र के पास नहीं जा सकती, आप और हम एक दूसरे के घर नहीं जा सकते, कितनी बड़ी तकलीफ है अपन सबों के लिए। मातृश्री ओम सरनम संस्था के द्वारा निःशुल्क आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। दान कैलाशचंद्र आर्य व मंत्री नरेंद्र आर्य जी ने सभी आगंतुकों को धन्यवाद दिया। सुश्री पूजा दादिश व आदित्य आर्य के द्वारा योगासन कराया गया, जी आगंतुकों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। कोविड-19 में जो बीमारी महामारी रूप धारण की हुई है, यदि मनुष्य हमेशा योग करेंगे तो स्वस्थ रहेगा। इसी भावना के साथ सभी को नमस्ते। अंत में शांति पाठ किया गया। देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेवा शांति श्यामा
शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अलाय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पढ़ो धोनी।